जय जिनेंद्र। मित्रों, एक बार जब कोई घर गृहस्थी के बंधनों में बंध जाते हैं तो फिर दीक्षा लेना बहुत ही कठिन होता है। किंतु कुछ भव्यात्मा पति पत्नी ऐसे भी होते हैं जो विवाह के बाद भी इस मोह और राग के बंधनों को तोड़कर संयम ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमने देखे हैं। आज हम एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण देखेंगे। मित्रों, वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। राजस्थान के घाणेराव निवासी 63 वर्षीय श्री संपत राज जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पिस्ता बहन ने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विजय हरिकांत सूरीश्वर जी महाराजा की निश्रा में दीक्षा ग्रहण कर श्री संपत राज जी, पूज्य मुनि श्री ह्रीमकांत विजय जी महाराज साहब एवं श्रीमती पिस्ता बेन पूज्य साध्वी श्री पार्श्ववर्धना श्री जी महाराज साहब बन गए। मित्रों, दीक्षा लेते ही मुनि श्री ह्रीमकांत विजय जी महाराज साहब ने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। दीक्षा के बाद वह प्रतिदिन एकाशना करते थे, वर्धमान तप की ओली भी की थी। पिछले 2.5 सालों से वह लगातार 500 आयंबिल एवं एकाशना करते, जिनमें 485 आयंबिल एवं 425 एकाशना थे। पूज्य साधु भगवंत के 500 आयंबिल के पारणे में मात्र 15 आयंबिल ही बाकी थे कि 1 जनवरी 2024 को भिवंडी में दोपहर के समय अचानक हृदयाघात होने से काल धर्म को प्राप्त हो गए। पूज्य साधु भगवंत की आयु 73 वर्ष थी और संयम जीवन 10 वर्ष का था। पूज्य तपस्वी मुनि भगवंत को वंदन, जय जय नंदा, जय जय